नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसी जमाने में राजस्थान को पिछड़ा राज्य माना जाता था। यहां अकाल सूखा पड़ना आम बात होती थी, लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। आज राजस्थान ने सभी क्षेत्रों में तरक्की की है। मुझे विश्वास है कि आगे राजस्थान और तरक्की करेगा। गहलोत जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के वर्चुअल दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी का काम जल्द शुरू होगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए सरकार ने 400 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इसके लिए जमीन आवंटित हो गई है, अब जल्द काम आगे बढ़ेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी का हम नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। ठंड की मार झेल रहे राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज यानी शुक्रवार से अधिकांश शहरों में दिन का तापमान बढ़ेगा और ठिठुरन से राहत मिलेगी। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का भी असर कम होने लगेगा। दिन का तापमान भी अब अधिकांश शहरों में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगेगा। गुरुवार को जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर समेत तमाम संभागों में मौसम पूरी तरह साफ रहा। रात में सर्दी से लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली। सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। रीट पेपर लीक मामले में अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष और रीट परीक्षा के समन्वयक डॉक्टर डीपी जारोली भी सवालों के घेरे में है। एसओजी ने इस महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए एसओजी की टीम रीट कार्यालय पहुंची है। टीम परीक्षा से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ के साथ ही रीट कार्यालय में मौजूद परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। इस पूरे मामले में मीडिया से दूरियां बनाने वाले डीपी जारोली पर लगातार दबाव के चलते वह मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसओजी की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक प्रकरण में सरकार और कुछ अफसरों पर निशाना साधा है। मीणा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि एसओजी ने भजन लाल बिश्नोई और रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया, शिक्षा संकुल से पेपर लीक होना स्वीकार किया है। मीणा ने कहा कि यह तथ्य सरकार और एसओजी को करीब 3 महीने पहले ही दे दिए थे, लेकिन रामकृपाल मीणा के ब्लैक लिस्टेड कॉलेज को रीट परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। मीणा ने कहा कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक का मामला पहले ही उजागर कर चुका हूं। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के दौरे पर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन की मजबूती के लिए काम करने के निर्देश दिए। सरदार शहर में मीडिया से बातचीत में पूनिया ने कहा कि रीट की परीक्षा को लेकर सदन में और सदन के बाहर मुखरता से चर्चा होती है, लेकिन जिस तरीके से रीट की परीक्षा में नकल के संगठित गिरोह ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक है और कांग्रेस सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आईपीएस प्रीति जैन ने गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले की कमान संभाली है। इसी के साथ ही वो इस जिले की पहली महिला एसपी बन गई है। इससे पहले सिर्फ एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी का पद पर महिलाएं संभाल चुकी हैं। नवनियुक्त एसपी ने एनडीपीएस के मामले में सख्त कार्रवाई करने और पब्लिक में पुलिस के लिए विश्वास जगाने को प्राथमिकता दी है। जोधपुर से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह गुरुवार को वर्चुअल मोड में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत की वर्चुअली उपस्थिति में समारोह में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के 44,331 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में अव्वल रहने वाले 78 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए। बीकानेर में वाटर सप्लाई से जुड़े 2 बड़े सेंटर्स पर रखरखाव का काम होने के कारण आज शुक्रवार को शहर के कई हिस्सों में पानी नहीं दिया जाएगा। ऐसे में विभाग ने गुरुवार को ही अपनी आवश्यकता अनुसार पानी एकत्र करने की सलाह दी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह ने बताया कि शोभा सर के CWPS और RWPS पंप हाउस पर रखरखाव कार्य के कारण शुक्रवार प्रातः 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं शनिवार सुबह से फिर वाटर सप्लाई सुचारू होने की उम्मीद की जा रही है। जोधपुर के एमबीएम कॉलेज के सभागार में गुरुवार को मनाए गए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों और कर्मचारियों ने जोरदार हंगामा किया। इस समारोह में राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत भी वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे। हंगामा उनके सामने हुआ। छात्रों और कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के सामने ही कुलपति को काले झंडे दिखाए।
बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी द्वारा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में लिए गए गोचर ओरण पायतन व चारागाह भूमि पर पट्टे जारी करने के निर्णय के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना अनवरत जारी है। गोहितार्थ राष्ट्रहितार्थ सब कुछ छोड़कर धरने पर बैठे देवी सिंह सीमांत शेर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जिस तरह गाय गोचर संस्कार संस्कृति व परंपरा को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे ही राजस्थान में देवी सिंह भाटी कार्य कर रहे हैं। यह उद्बोधन बुधवार को तारा तारा मठ बाड़मेर के महंत व बाबा रामदेव के सहपाठी प्रताप पुरी ने धरना स्थल पर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए घोषित भारतीय क्रिकेट टीम में जोधपुर की रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। दो वर्ष से IPL में किंग्स 11 पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले रवि को हाल ही में IPL 2022 में एंट्री कर रही लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने साथ जोड़ा है। खबर की पुष्टि होने पर रवि के घर पर केक काटकर जश्न मनाया गया। वहीं CM अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर रवि बिश्नोई को बधाई दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जोधपुर जिले में शेरगढ़ पटवार मंडल के पटवारी परसराम को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। उसने एक व्यक्ति की तरफ से ग्राम पंचायत को दान दी गई जमीन के नामांतरण की नकल देने के लिए इस रिश्वत की राशि की मांग की थी। परसराम ने इस बाबत 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने खेड़ापा में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 किलो अवैध अफीम दूध जब्त किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि खीमसर थाना क्षेत्र में रहने वाले मालाराम बिश्नोई को पकड़कर उसके कब्जे से अफीम दूध बरामद किया गया है। मुलजिम से अवैध अफीम दूध के परिवहन व सप्लायर्स के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल खेलकूद संघ द्वारा संचालित रेलवे क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने रेलवे स्टेडियम में किया। मंडल खेलकूद अधिकारी रवि मीणा ने बताया कि मंडल पर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अकादमी की स्थापना की गई है। इसमें रेल कर्मियों, उनके बच्चों तथा बाहर के नवोदित खिलाड़ियों को रेलवे के रणजी खिलाड़ी प्रशिक्षण देंगे। राजस्थान के जालौर जिले के सुराणा गांव के एक किसान के खेत में हूबहू सेब जैसे रंग और उससे भी मीठी मिठास वाले बेर के 250 पौधे लगे हुए हैं। ऐसा रेड एप्पल कश्मीरी बेर सिर्फ सुराणा गांव के एक बगान में ही देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां के किसान भीम सिंह दहिया ने ऐसे 250 कश्मीरी पौधे लगाए थे जो कड़ाके की ठंड में विकसित होकर पैदावार देने लगे हैं। सेब से आकार में छोटा 30 से 40 ग्राम के इस बेर के भाव 50 से 80 रुपए प्रति किलो हैं। किसान दहिया के अनुसार एक पौधे पर 70 से 80 किलो फल आते हैं। यह पौधा 18 महीनों में फल देने लगता है। एक हेक्टेयर में 500 पौधे लगा सकते हैं। अनूठे स्वाद की वजह सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का उपयोग है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।